ठीक है, सबसे पहले आपको बताए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है। ठीक है, इसका मतलब है अगर किसी भी बॉडी में चार्ज आ जाए और चार्ज फ्लो ना हो पाए, चार्ज स्टेशनरी हो, स्टैटिक मीन स्टेशनरी हो, बॉडी के अंदर चार्ज आ जाए और चार्ज स्टेशनरी हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, और चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाए तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? करंट मतलब फ्लो होना, तो अभी हम किसकी बात करेंगे, स्टैटिक चार्ज, रुका हुआ चार्ज। ठीक है, सबसे पहले आपको शुरू करने से पहले बताए थे, कई बार बता चुके, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज और इन सबके मास। ठीक है, अब तक तो ये समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, प्रोटॉन का इतना ही चार्ज प्लस में। ठीक है, और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होगा, जीरो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास -31 किलोग्राम, 1.67 × 10⁻²⁷ किलोग्राम, और न्यूट्रॉन का मास भी नियर अबाउट प्रोटॉन के मास के बराबर होगा, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होगा, और इसको बोलते हैं 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? अब इसके बाद होता है चार्जिंग क्या कहलाती है। ठीक है, चार्जिंग, तो आपको यह मालूम है हर एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन भी है उतने ही प्रोटॉन भी है। ठीक है, कोई भी बॉडी हो, इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है। ठीक है, अगर दोनों का अमाउंट बराबर है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, बॉडी न्यूट्रल होगी। ठीक है, अगर आपने बॉडी को कुछ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिए, इलेक्ट्रॉन आपने बॉडी को और जाना दे दिए, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज बढ़ने से उसका मास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, मास उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इफ बी गिवन नेगेटिव चार्ज टू एनी बॉडी देन इट्स मास विल इंक्रीज। यहां तक क्लियर है? ठीक है, और अगर आपने यहां बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कम हो गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कम होना कहलाता है पॉजिटिव चार्ज देना। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज देने के लिए प्रोटॉन का कुछ नहीं करना, जो भी करना वो इलेक्ट्रॉन का करना। ठीक है, इफ बी रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी बॉडी देन बॉडी विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, एंड इट्स मास बिकम रिड्यूस्ड। क्लियर है? इतना मास कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन निकालना यानी पॉजिटिव चार्ज देना। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब बॉडी को इलेक्ट्रिफाइड कैसे कर सकते हो या चार्ज कैसे कर सकते हो, तो कुछ मेथड आपको बताए थे, एक होता है फ्रिक्शन। ठीक है, एक बॉडी को दूसरी बॉडी पर रगड़ दो। ठीक है, जैसे ग्लास रॉड है, इसको सिल्क क्लॉथ से रगड़ दो। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल गया वो कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, और जिसमें इलेक्ट्रॉन पहुंच गया वो कैसी हो गई, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, इफ ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क क्लॉथ देन ग्लास रॉड बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ बिकम नेगेटिवली चार्ज, ये भी आपको मालूम है। ठीक है, एक और आपको बताए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन याद है सबको? देखो, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसके बाद इसके पास में एक अनचार्ज बॉडी आप लेके आ गए, अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी। ठीक है, तो आपको बताए थे अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो अनचार्ज बॉडी में क्या है, इलेक्ट्रॉन तो है पूरे में। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन को पता चलेगा बगल में पॉजिटिव चार्ज आए हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसको देखने के लिए यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए और यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए, तो यहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर एक अनचार्ज बॉडी चार्ज बॉडी के पास में लेके आते हैं, तो उसके पास वाली सरफेस पर अपोजिट चार्ज और दूर वाले सरफेस पर इक्वल चार्ज जनरेट हो जाता है, ये कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, ये भी आपको बता दिए थे, यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये चार्जिंग की कुछ मेथड हो गई, ये कहलाएगा फ्रिक्शन से चार्ज होना, ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इस पर बेस्ड क्वेश्चन लगातार आते रहते हैं, हमेशा आते हैं। ठीक है,
तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान देना, बाकी जब क्वेश्चन आपको कराएंगे तो ये भी हो जाएगा, ठीक है, ये वाला भी बात क्लियर है। इसके बाद बताए थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ठीक है, चार्ज को केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हो। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कैसा रहेगा? कॉन्स्टेंट। क्लियर है इतना? यहां तक बात समझ में आ रही? इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक इसमें आता है कूलम्स लॉ, सॉरी उसके पहले आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो चार्ज क्वांटाइज नेचर का होगा, मतलब किसी भी बॉडी को अगर आप चार्ज दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल आप चार्ज दे पाओगे, वन इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन, थ्री इलेक्ट्रॉन, फोर इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन आप नहीं दे पाएंगे, ठीक है। जैसे स्टूडेंट आपको बता रहे हैं, स्टूडेंट क्लास में कितने हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4, ठीक है ना, 10.5 स्टूडेंट नहीं हो सकते, या तो 10 स्टूडेंट होंगे या फिर 11th स्टूडेंट होंगे, ठीक है ना। पॉइंट वाला कोई काम नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे ही किसी भी बॉडी को अगर आप चार्ज दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल, ठीक है। तो बॉडी का चार्ज अगर क्यू है तो क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई, यहाँ पर एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट बनी होगी, और ये आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, वैल्यू कितनी होगी। अगर वैल्यू की केवल बात करें तो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर की वेक्टर, स्केलर हमेशा के लिए याद रखना, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम, ठीक है, सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम, कूलम और स्टेट कूलम में रिलेशन बताए थे, ठीक है, याद है किसी को? देखो 1 कूलम इक्वल टू कितने स्टेट कूलम? 3 × 10⁻¹⁹, इतना जरूर याद रखना, 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁻¹⁹ स्टेट कूलम, ठीक है। चार्ज की एसआई यूनिट हो गई और ये सीजीएस यूनिट हो गई, ठीक है, और सीजीएस में भी कहलाएगी ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट के बारे में आपसे कभी पूछेंगे नहीं, जरूरत तो कभी नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही? ये क्लियर है इतना? ये सब आपके कुछ बेसिक्स थे। एक बात और आपको बताए थे, अगर किसी भी बॉडी में चार्ज है तो उसका मास जरूर होगा, ठीक है, बिना मास के चार्ज नहीं हो सकता। क्लियर है इतना? ठीक है, अगर बॉडी पे चार्ज है तो उसका मास भी होगा, ठीक है, मासलेस बॉडी का चार्ज नहीं हो सकता। क्लियर है इतना? एकदम इसके बाद आपको बताया था कूलम्स लॉ, ठीक है, कूलम्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होगा? इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज एंड स्टेशनरी चार्ज, ठीक है। अगर दो पॉइंट चार्ज रखे हों Q1 Q2, दोनों की सेंटर से सेंटर डिस्टेंस ये है R, ठीक है, कूलम फोर्स कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल मीन्स एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर पर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। इसके पहले आप पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी कैसा था? सेंट्रल फोर्स, एक मास के सेंटर से दूसरे मास के सेंटर पर एप्लीकेबल होगा। तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में क्या होगा? या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, ठीक है। लाइक चार्ज अगर होंगे तो क्या होगा? रिपल्सन। अनलाइक चार्ज होंगे तो क्या होगा? अट्रैक्शन, ठीक है। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बिटवीन एनी टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। ये आपको बता दिए थे, एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आप हटाएंगे तो आएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब के की वैल्यू डिपेंड करती है सिस्टम ऑफ यूनिट एंड मीडियम बिटवीन टू चार्ज,
ठीक है, यहां तक बात समझ आ रही है। इसके पहले एक बात और ध्यान देना पड़ेगा, पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है यहां पे? पॉइंट चार्ज मतलब क्या होता है? स्मॉल चार्ज। देखो इसका आप ये मतलब समझ लो, पॉइंट का यहां पर क्या मतलब है, ठीक है भाई? पॉइंट का मतलब कोई डायमेंशन है क्या? इतनी डायमेंशन हो तो पॉइंट चार्ज है, वरना नहीं है। देखो अगर चार्ज के बीच की डिस्टेंस चार्ज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो, ठीक है, जैसे आप आपके पूरे स्कूल में एक छोटी सी बॉल लेके आप खेल रहे हैं, ठीक है, तो उस बॉल के कंपैरिजन में पूरा स्कूल एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो बॉल कहलाएगी स्कूल के कंपैरिजन में पॉइंट चार्ज, ठीक है। आपका पूरा स्कूल पूरे टीकमगढ़ के कंपैरिजन में पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट की तरह आप इसको डिनोट करोगे पूरे मैप पे, टीकमगढ़ इंडिया के मैप पे पॉइंट हो गया, ठीक है। तो कोई भी ऐसा नहीं कि मतलब पॉइंट का मतलब कोई आपको यहाँ पे मिलीमीटर की साइज की बॉडी हो, ठीक है ना, बस आपको ये देखना है कि इसकी डिस्टेंस इनके कंपेरिजन में जाना हो तो पॉइंट चार्ज हो गए, ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो पॉइंट का मतलब बहुत छोटे से मतलब नहीं है, कंपेरेटिवली छोटे होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है इतना? कि एक कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी सिस्टम ऑफ यूनिट एंड मीडियम बिटवीन टू चार्ज, यहां तक बात समझ में आ रही है? अब आप ये देखो, आपको बताए थे सीजीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में के की वैल्यू होती है 1, ठीक है, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर डाइन, ठीक है, यहां तक बात एकदम क्लियर समझ में आ रही है? और एसआई सिस्टम में के की वैल्यू होती है के इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, तो एफ इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, यूनिट हो जाएगी न्यूटन, यहां तक बात क्लियर समझ आ रही, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस, ठीक है, आपको दो बातें बताए थे, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब है किसी दूसरे से कंपेरिजन ना करना, ठीक है, और रिलेटिव का मतलब है दो लोगों का कंपेरिजन होना, ठीक है। अगर दो स्टूडेंट हैं, अब आपसे पूछा जाए कि आप इंटेलिजेंट हो कि वीक हो, ठीक है, तो अगर हम दो का कंपेरिजन करें, ठीक है ना, तो आप कहोगे सर इनसे हम इंटेलिजेंट हैं, बाकी हमें नहीं मालूम, ठीक है ना, इनके परसेंटेज थे 80, हमारे थे 90, तो हम इनसे जाना इंटेलिजेंट है, ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो यहाँ पे ये क्या हो गया, रिलेटिव टर्म्स, इंटेलिजेंट और वीक होना, यहाँ तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन सिर्फ आप अकेले की बात की जाए, आप बोलो सर हमारे तो 80% है, हमें ये नहीं मालूम हम इंटेलिजेंट है कि वीक है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट, ठीक है, अमीरी गरीबी, इंटेलिजेंट वीक, ठीक है, ये सब कैसे टर्म है, रिलेटिव टर्म है, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? चलो, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 × 10⁻², और यूनिट कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पे जाएगा Q1 Q2 कूलाम स्क्वायर, F यहाँ पे आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू आपको लर्न करनी है। और इसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी होती है, F इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये है 1/4πε0 की टोटल वैल्यू, ठीक है, इतना इतने में अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो बता दो, ठीक है, या तो आपका रिवाइज हो रहा है पूरा समय आ रहा होगा इतना। इसके बाद देखो CGS और SI यूनिट में डिफरेंट हो गया, ठीक है, CGS में K की वैल्यू 1 होगी, यहां पर K की वैल्यू इतनी होगी। K की वैल्यू किस किस बात पर डिपेंड करती है, एक तो हो गया सिस्टम ऑफ यूनिट, दूसरा है मीडियम बिटवीन टू चार्ज। तो अभी हम बात कर रहे थे, ये दोनों थे एयर में, अगर ये एयर है तो ये रहेगा, ठीक है, और एयर की जगह अगर हम कोई मीडियम ले लें, ठीक है, इसकी जगह अगर हम कोई मीडियम लेते दोनों जगह, ठीक है, तो यहां पर हम लिख ले रहे हैं एफ मीडियम, और इसको भी लिख दे रहे हैं एफ मीडियम, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही? अगर मीडियम होगा
तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर, ठीक है। अब एप्सिलॉन आर क्या कहलाता है, एप्सिलॉन आर कहलाएगा रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर कहलाता है एप्सिलॉन, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर, रिलेटिव परमिटिविटी, और इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट ये लिखिए कूलम स्क्वायर अपॉन, उल्टा लिखिए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन, हाँ एप्सिलॉन आर की वैल्यू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन आर क्या कहलाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी, किस किस का रेशियो होगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और एप्सिलॉन आर की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन वन, ठीक है, हमेशा एक से बड़ी होगी। अरे बात समझ में, मेटल के लिए इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी, फॉर मेटल एप्सिलॉन आर इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि दो चार्ज पार्टिकल मेटल में रखे हैं, मेटल के ऊपर रखे हैं, इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, जीरो। एप्सिलॉन आर की वैल्यू हो गई इन्फिनिटी, एफ की वैल्यू हो गई इन्फिनिटी, ठीक है, बन जाएगा इतना कि नहीं, यहाँ तक एकदम क्लियर है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लो, एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर, रिलेटिव परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। और इसी को बोलते हैं एप्सिलॉन आर को डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मीडियम, ठीक है, और इसको हम के से भी डिनोट करते हैं, लेकिन ये वाला के इस वाले के से इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आप अगर चाहें तो यहां पर के भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना ये वाला के का इस वाले के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। के को क्या बोलते हैं, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है, हो जाएगा इतना कि नहीं, भाषा में अच्छे से आ रही, ठीक है। तो अभी तक हमने आपको अपनी जो थ्योरी हुई थी वो तो इतनी हुई थी, ठीक है ना, और कुछ आपको न्यूमेरिकल बताए थे, ठीक है। एक बात फोर्स के लिए बहुत अच्छे से याद रखना, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल पर एक साथ दो फोर्स लगे तो आपको दोनों का लेना है वेक्टर सम, आप सीधे सीधे उसको मत जोड़ देना, ठीक है ना। और दो फोर्स के बीच में अगर एंगल थीटा है तो उसका रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालोगे, एफ इक्वल टू अंडर रूट एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा, ठीक है, यहां तक क्लियर है, ठीक है। हमेशा आपको इस तरह से ऐड करना है, सीधे सीधे कभी भी ऐड मत कर देना, ठीक है। ये सब छोटी छोटी सी बातें जो आपको याद रखनी है। एक बात और, एप्सिलॉन आर या के की यूनिट क्या होगी, रिलेटिव परमिटिविटी की यूनिट, ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है ना, यूनिटलेस भी है डायमेंशनलेस भी है, ठीक है। एप्सिलॉन की यूनिट और एप्सिलॉन नॉट की यूनिट ये लिखी है, दोनों की यूनिट यही होगी, ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखना। और इसका डायमेंशन फार्मूला भी आपको बताए थे, कूलम का क्या होता है, एटी एम्पियर इनटू टाइम, न्यूटन का आपको मालूम है एम एल टी माइनस टू, और एम स्क्वायर का होगा एम स्क्वायर, ठीक है, इससे आप निकाल सकते हो डायमेंशन फार्मूला, ठीक है। सॉरी मीटर स्क्वायर है एल स्क्वायर, ठीक है, यहां तक बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो इसका कितना आ जाएगा डायमेंशन फार्मूला,
m माइनस वन, l की पावर माइनस थ्री, टी टू दी पावर थ्री, और कूलाम स्क्वायर है तो ए टी का स्क्वायर है, ठीक है ना, सॉरी टी की पावर आ जाएगा फोर और ए की पावर टू, ठीक है, एम माइनस वन, एल माइनस थ्री, टी टू दी पावर फोर, ए स्क्वायर, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, कई बार अलग अलग कॉम्पिटिशन एग्जाम में और ट्वेल्थ क्लास में पूछ चुके हैं, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना। अब आप लोग यहां तक बता दो, अगर कोई भी चीज आपको डाउटफुल हो तो बता दो, और नाम इसको और थोड़ा सा और बताएं। हो गया इतना, एक क्वेश्चन देखिए आपका टेस्टिंग करे दे रहे हैं, हालांकि वो क्वेश्चन आप कर चुके हैं लेकिन हम फिर भी आपको एक बार और दे रहे हैं, ठीक है ना, ये आप देख लो।